हे गाइस, वेलकम बैक एट यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। गाइस, अभी कुछ महीने पहले ही फोर्स गुरखा का थ्री डोर फेसलिफ्टेड मॉडल भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ एंड इस गाड़ी का जो आपका प्राइस था वो रखा गया था 13,59,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम दिल्ली NCR। अभी कुछ दिनों पहले ही गाड़ी का फाइव डोर मॉडल टेस्टिंग के दौरान पाया गया है। बैकग्राउंड के अंदर जो भी स्पाई इमेजेस हैं फाइव डोर गुरखा मॉडल के आपको मैं शो करता जा रहा हूं। ये गाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? ये गाड़ी आपकी बिकॉज कॉम्पीट करती है आपके महिंद्रा थार के अपकमिंग फाइव डोर मॉडल के साथ एंड काफ़ी हद तक मारुति जिम्नी के फाइव डोर मॉडल के साथ। हालांकि ये दोनों गाड़ियां अभी फाइव डोर आपका थार मॉडल एंड आपका मारुति जिम्नी का मॉडल भारतीय मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है एंड एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुरखा आपकी पहली मॉडल बन जाएगी ऑफ रोडर कैटेगरी के अंदर जो आपको फाइव डोर ऑप्शन देने वाली है भारतीय मार्केट में। गाड़ी का जो प्राइस रहेगा आपका 15 लाख रुपए से स्टार्ट होने की उम्मीद है। इसके अंदर आपको सिंगल वेरिएंट मिलेगा। अगर आप फाइव डोर मॉडल को अपने एग्जिस्टिंग फोर्स गुरखा मॉडल के थ्री डोर मॉडल से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कुछ भी इन लोगों ने खास चेंजेस नहीं किए हैं। अभी भी गाड़ी का जो शेप है वो बॉक्सी शेप रहने वाला है। आपको आगे राउंड हेडलैम्प्स मिल जाएंगे LED DRL के साथ में। इसके अलावा जो एयर इनटेक के लिए इन लोगों ने स्नोरल वगैरह पाइप दिया हुआ है आपको, उसका भी डिज़ाइन सेम है। ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन सेम रहने वाला है, बट हाँ रियर साइड में अभी आपको वर्टिकल शेप की टेल लाइट्स मिल जाएंगी। ऑल ओवर बॉडी गाड़ी में आपको प्लास्टिक क्लैडिंग मिलेगी ब्लैक कलर की, जो कि गाड़ी को और एक तरीके से ऑफ रोडिंग दिखाती है ज़्यादा। इसके अलावा गाड़ी के इंजन की बात करूँ तो इनसाइड द बोनट आपको काफ़ी कुछ चेंज मिलने वाले हैं। लाइक ये आपका 2.6 लीटर का इंजन रहता है जो कि अपनी कैटेगरी में आप कह सकते हो काफ़ी पावरफुल इंजन है। इसके अंदर आपको जो आउटपुट मिलता है वो रहता है 90 BHP का। इसके अलावा गाड़ी टॉर्क देती है आपको 250 न्यूटन मीटर तक का, जो कि अपने आप में काफ़ी मैसिव है। इस तरह के इंजन जनरली आपको पावरफुल गाड़ियों में मिलते हैं, लाइक आपकी एंडेवर हो गई, आपकी इसके अलावा फॉर्चुनर हो गई। इस तरह की गाड़ियों के अंदर आपको इतने पावरफुल इंजन मिलते हैं। अगर ऐसा ही इंजन आपको यहाँ पे कम रेट की गाड़ी के अंदर मिल रहा है तो हम लोग इसे अच्छा कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ रोडिंग गाड़ी है, काफ़ी पावरफुल इंजन है, वो भी डीजल है आपका। तो आपको यहाँ पे कुछ एवरेज वगैरह के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आप जनरल भी इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो, इस गाड़ी को आप ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ कर ही सकते हो। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स गाड़ी में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको मिल जाएंगे। अब गाड़ी हम कह सकते हैं कि पहले के कंपेयर में थोड़ी सी और अपनी अच्छी हो गई है। आपको 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि आपका सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, बट हाँ इन लोगों ने अभी भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया है। आपका जो एसी रहेगा वो आपका मैनुअल ही रहेगा। 5 गियर ऑप्शन गाड़ी आपकी सपोर्ट करेगी। इसके अलावा इसमें आप डिफरेंशियल लॉक की हेल्प से फ्रंट व्हील ड्राइव या फिर अपना आगे का फ्रंट व्हील ड्राइव या फिर आप बैक व्हील ड्राइव गाड़ी में कर सकते हो या फिर आप 4 व्हील ड्राइव भी गाड़ी में कर सकते हो। आपको इसके अंदर डिफरेंशियल ऑप्शन मिल जाने वाला है डिफरेंशियल गियर लॉक का एंड आपके व्हील लॉक भी वैसे ही आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको मैंने बताया अभी तक गाड़ी का फाइव डोर मॉडल आने वाला है। गाड़ी की टेल लाइट का जो डिज़ाइन है उसको वर्टिकल कर दिया गया है। गाड़ी का व्हील बेस थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा बिकॉज गाड़ी आपकी फाइव डोर रहेगी, ऑफ रोडिंग गाड़ी है, 4 व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव आप गाड़ी में कर पाओगे। अभी तक जो एग्जिस्टिंग मॉडल है थ्री डोर वाला वो आपका पड़ता है एक्स शोरूम 13,59,000 रुपीज़ का एंड ये गाड़ी आपको 15 लाख रुपये से मिलने की उम्मीद है। सिंगल गाड़ी के अंदर वेरियंट रहेगा, ये कॉम्पीट करेगा आपके थार एंड जिम्नी के अपकमिंग फाइव डोर मॉडल के साथ में। लुक एंड अपेयरेंस वाइज इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। फ्रंट में आपको राउंड लैंप मिलेंगे LED DRLs के साथ में एंड गाड़ी का शेप आपका बॉक्सी रहेगा। बट हाँ एक चीज़ है, आगे जो आपका अपकमिंग थार का मॉडल रहेगा फाइव डोर वाला उसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ व्हील बेस आपको मिलने वाला है महिंद्रा की तरफ से। तो गाड़ी को थोड़ा सा और कॉम्पिटेटिव दिखाने के लिए, क्योंकि आपके जो ये फोर्स गुरखा है फोर्स वाले इसमें व्हील बेस में कुछ खास चेंजेस नहीं ज़्यादा करने वाले, केवल ये लोग आपको 5 सीटर कैपेसिटी देने वाले हैं गाड़ी के अंदर। फाइव डोर गाड़ी मिलेगी आपको। तो इन लोगों ने क्या किया है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, थोड़ा सा जो मेरे को पता चला है इनसाइडर सोर्सेस के साथ में, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे सकते हैं ताकि आप थार फाइव डोर की जगह पे इस गाड़ी को प्रेफर करो। तो जो ये आपके एक्स्ट्रा फीचर्स रहेंगे, 2 फीचर अपने को सुनने को मिले हैं, आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर मिल जाएगा TPMS का ऑप्शन जिसको हम कहते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इसके अलावा आपको गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने की उम्मीद है। तो एक तरीके से गाड़ी का व्हील बेस कंपेयर टू आपके फाइव डोर थार मॉडल के थोड़ा सा कम रहेगा, बट गाड़ी आपको कॉम्पिटेटिव लगेगी बिकॉज गाड़ी में आपको यहाँ पे 2-3 के करीब एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक आपका TPMS हो गया, लाइक आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। तो वो सारे लोग जो जनरली ऑफ रोडिंग वगैरह करते रहते हैं बट उनको नॉर्मल भी यूज़ करनी है लाइफ के अंदर गाड़ी, तो आप लोग थ्री डोर की जगह फाइव डोर गाड़ी के लिए वेट कर सकते हो। गाड़ी के लॉन्च होने की पूरी संभावना है बाय सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम
आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपका ऑफ रोडिंग गाड़ी लेने का मन था, आप चाहो तो इस गाड़ी के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। पर्सनली मुझे गाड़ी काफ़ी सही लगी बिकॉज टाइम टेस्टेड गाड़ी है, काफ़ी मजबूत गाड़ी है, रगड़ लुक है गाड़ी का एंड इंजन बहुत ही पावरफुल है। एंड पहले वाले मॉडल के कंपेयर में इस मॉडल के अंदर आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स मिल जाएंगे जो कि गाड़ी को और थोड़ा सा और ज़्यादा आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेंगे एंड आपके लिए कनेक्टिविटी वगैरह के ऑप्शन आसान कर देने वाले हैं। मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। वो सारे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स जो पहली बार यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स की वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मेक श्योर टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, बिकॉज अगर आपने नहीं किया डे टू डे बेसिस पे आप ऐसे ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिव न्यूज़ को मिस करते जाते हो एंड यू नेवर नो कब कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए एंड आपके गाड़ी लेने के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा स्मूथ बना दे। और ध्यान रखिए, thanks for watching, take care, stay safe, God bless you and bye-bye.